दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में आपको बता दें कि विधानसभा में मोदी सरकार पर जमकर बरसी ममता दीदी बोली मोदी के मंत्री विकास के लिए नहीं बल्कि कब्जा करने आते हैं वहीं कमलनाथ का बड़ा ऐलान बोले सोनिया गांधी की जगह ममता बनर्जी को बनाया जाए यूपीए का अध्यक्ष वही सुप्रीम कोर्ट ने दिए जेल में भीड़ कम करने के आदेश नब्बे दिनों के लिए रिहा होंगे कैदी वही राहुल गांधी ने पी मोदी आरोप बोला तगड़ा हमला बोले जनता के प्राण जाए पर मोदी की टैक्स वसूली न जाए वही अधीर चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा बंगाल के लिए लगाई मदद की गुहार वही सर्वानंद सोनोवाल या फिर हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी आज कर सकती है असम के नए मुख्यमंत्री की घोषणा वही भारत में कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी बारह राज्यों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन वही इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी अस्पताल में भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव वही अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेंगे चार चार हजार रूपए करोड़ों लोगों के खाते में आएंगे पैसे वहीं रेल परिचालन पर पड़ा कोरोना का असर 16 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें और भी बड़ी खबरों को के लिए वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें वहीं पहली बड़ी खबर विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता दीदी बोली मोदी के मंत्री विकास के लिए नहीं बल्कि बंगाल पर कब्जा करने आते थे आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने पिछले छह महीने में कोई काम नहीं किया मोदी के मंत्री पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के इरादे से रोजाना बंगाल आते थे यहाँ विकास करने की नियत से नहीं आते थे साथ ही ममता बनर्जी ने देश भर में निःशुल्क टीकाकरण कराए जाने की भी मांग की है वहीं विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कोविड 19 संकट केंद्र के पिछले महीनों में कोई काम ना करने का नतीजा है क्योंकि मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे उन्होंने कहा की बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है पिछले छह महीनों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया और वे बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए रोज यहां आते रहे सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है की कि भाजपा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही है है उन्होंने दावा किया है कि जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकते और फर्जी वीडियो पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे हैं उन्होंने प्रशासन को हिंसा और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार विफल हो गई है और इस वजह से हिंसा भड़का रही है साथ ही वो विकास नहीं करना चाहती बल्कि बंगाल पर कब्जा जमाना चाहती है और ये बड़ी खबर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा ऐलान बोले सोनिया गांधी की जगह ममता बनर्जी को बनाया जाए यूपीए का अध्यक्ष आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में कद और ज्यादा बढ़ गया है चर्चाएं तेज है की ममता बनर्जी को दो में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा यानी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए इसी कड़ी में कार्यक्रम सीधी बात में पत्रकार प्रभु चावला ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसी भी

ममता बनर्जी को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए आपकी क्या राय है क्या ममता बनर्जी को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जेल में भीड़ कम करने के आदेश नब्बे दिनों के लिए रिहा होंगे कैदी ये आपको बता दें कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर है सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चुनिंदा कैदियों को नब्बे दिन के लिए परौल पर रिहा करने का आदेश दे दिया है इससे जेल में कैदियों की तादाद फौरी तौर पर कम होगी नब्बे दिन के बाद सभी कैदी जेल में वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों से एक कमेटी का गठन करने को कहा है कमेटी तय करेगी कि किस कैदी को रिहा किया जाएगा और किसको नहीं छोटे मोटे जुर्म में बंद कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं और पिछले चौबीस घंटे में लगभग चार लाख नए मामले सामने आए हैं एक्सपर्ट भी दूसरी लहर के चरम पर आने की कड़ी चेतावनी दे रहे हैं इसी बीच देश में कोविड नाइन्टीन के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश दे दिया है खास बात यह है कि बीते साल भी कुछ कैदियों को इसी तरीके से रिहा किया गया था और इस बार भी 90 दिनों के लिए कैदियों को रिहा किया जा रहा है और बड़ी खबर राहुल गांधी ने पीएम मोदी आरोप बोला तगड़ा हमला बोले जनता के प्राण जाए पर पी मोदी की टैक्स वसूली न जाए ये आपको बता दें की राहुल गांधी ने मोदी सरकार आरोप तगड़ा हमला बोला उन्होंने पी मोदी आरोप निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से हैशटैग जीएसटी के साथ जनता के प्राण जाएं पर पीएम मोदी मोदी की टैक्स वसूली न जाए ट्वीट किया है राहुल से पहले कांग्रेस शासन वाली कई सरकारों ने भी कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी वसूलने का विरोध किया था केंद्र सरकार कोरोना के टीकों पर राज्यों से पांच फीसदी जी वसूल रही है बीते दिनों राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र द्वारा कोरोना के टीकों पर जी लगाए जाने का तगड़ा विरोध किया था पांच फीसदी जी के साथ राज्यों को वैक्सीन की एक डोज के ऊपर पंद्रह ऐसी बीस रूपए अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा है सरकार देश में बनने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर राज्य सरकारों से पाँच पाँच फीसदी जीएसटी वसूल रही है कई राज्य सरकारों ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग की है और बड़ी खबर अधीर रंजन चौधरी ने पी मोदी को लिखा पत्र बंगाल के लिए लगाई मदद की गुहार यहाँ आपको बता दें की पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उन्होंने इस पत्र के जरिए पी मोदी से बंगाल की मदद करने की गुहार लगाई है अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी हालत खराब है यहाँ आम मरीजों की हालत काफी खराब है इस कठिन घड़ी में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी अपील करता हूँ की वो बंगाल के साथ खड़े हों और बंगाल में ऑक्सीजन वैक्सीन दवाइयाँ बेड और अन्य मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दें गौरतलब है कि देश के सभी विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कोविड नाइन्टीन की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी पश्चिम बंगाल में हालात को लेकर सबने चिंता और चेतावनी जाहिर की थी आठ चरणों वाला पश्चिम बंगाल का लंबा विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली है हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है आपको बता दें की अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन वैक्सीन दवाइयां बेड और अन्य मेडिकल सुविधाएं देने का आग्रह किया है बड़ी बड़ी खबर सर्वानंद सोनोवाल या फिर हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी आज कर सकती है असम के नए मुख्यमंत्री की घोषणा आपको बता दें की असम में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर हेमंत विश्व शर्मा को पार्टी मौका दे सकती है इसको लेकर संशय स्थिति बनी हुई है आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं और दिल्ली तलब किया गया था जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई दिल्ली छोड़ने से पहले हेमंत शर्मा तो ने कहा कि आज गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस बैठक के बाद सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको बता दें कि असम के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है आपको बता दें कि आज बीजेपी इन दोनों में से किसी एक के नाम की घोषणा करेगी और बड़ी खबर भारत में कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी बारह राज्यों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन आपको बता दें की देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है आपको बता दें की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड नाइन्टीन मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का समय 10 मई तक बढ़ा दिया है वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में पंद्रह मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है वही पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं शादियों में मेहमानों की संख्या पचास तक सीमित कर दी है साथ ही ट्रेन सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सप्ताहांत के लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा वही हरियाणा में दस मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है वही बिहार सरकार ने कैबिनेट मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श के बाद पंद्रह मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है वही उड़ीसा सरकार ने पाँच मई से राज्य में चौदह दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है वही झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को तेरह मई तक के लिए बढ़ा दिया है वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में पंद्रह मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा वही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 17 मई की सुबह छह बजे से लेकर 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 मई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया आपको बता दें कि वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया आपको बता दें की दस मई से अगले दो सप्ताह तक कम्प्लीट लॉकडाउन रहेगा यानी तमिलनाडु में दस मई से लेकर चौबीस मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है और बड़ी खबर इलाज के लिए नई गाइडलाइन अस्पताल में भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बने नियमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बदलाव कर दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोविड रोगियों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं है आपको बता दें की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना के लक्षण वाले मरीज वार्ड में भर्ती किए जाएंगे भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई हो किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता मरीज को ऑक्सीजन या फिर आवश्यक दवाएं दी जाएंगी भले ही वो किसी भी अन्य शहर का रहने वाला क्यों न हो आपको बता दें कि किसी भी मरीज को इस आधार पर इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास जिस शहर में वो भर्ती हो रहा है वहाँ की आई नहीं है आई कहीं की भी हो आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं आपको बता दें की स्वास्थ्य मंत्रालय ने और भारत सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है यदि आपके पास आई नहीं है तब भी आपको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और बड़ी खबर सरकार का बड़ा ऐलान अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेंगे चार चार हजार रूपए करोड़ों लोगों के खाते में आएंगे इस महीने पैसे आपको बता दें की अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको चार चार हजार रूपए दिए जाएंगे तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान कर दिया है दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद एम के स्टालिन ने हर परिवार को कोरोना राहत के रूप में चार चार हजार रूपए देने का आदेश दे दिया है जिसमें से दो दो हजार रूपए की पहली किस्त इसी महीने आएगी आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस घोषणा से 2.7 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा इसके अलावा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कार्ड होल्डर्स का निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधित उपचार का खर्च वहन करेगी आपको बता दें की फिलहाल राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री में चार चार हजार देने का ऐलान कर दिया है और ये बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस में वापस नहीं जाएंगे

का एक ट्वीट किया है इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उनकी लड़ाई भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में जारी रहेगी उन्होंने कहा कि मैं उन सभी से अपील करूंगा जो मेरे टीएमसी में जाने की अफवाहों को तवज्जो दे रहे हैं मुकुल राय ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक मार्ग पर दृढ़ हूँ बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने दो सीटें जीती है जबकि भाजपा महज सतहत्तर सीटें जीतने में कामयाब रही है उधर मुकुल राय ने ऐलान कर दिया है कि वो जो टी एम सी में नहीं जाएंगे बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और बड़ी खबर 10 मई को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार पर होगी समीक्षा आपको बता दें कि हाल ही में बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया इसके अलावा असम में भी निराशा ही हाथ लगी है कांग्रेस पार्टी ने कार्य समिति की बैठक दस मई को बुलाई है इस बैठक में हार की समीक्षा की जाएगी और कारणों का पता लगाया जाएगा आपको बता दें की कांग्रेस पार्टी को असम और केरल की सब में वापसी की उम्मीद थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसके लिए आक्रामक तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार किया था लेकिन सफलता नहीं मिली दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सीटों में कमी हुई है कांग्रेस को पांडुचेरी में भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान देश में जारी कोरोना संकट को लेकर भी चर्चा होगी आपको बताते चले की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दस मई को होगी और बड़ी खबर गाँव में भी जमकर टूटा कोरोना का कहर पंचायत चुनावों के बाद बिगड़े हालात आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में कसबोर गांव में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैल रहे प्रकोप के मद्देनजर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालात संभालने के लिए जिले के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने जरूरी दवाएं मुहैया कराने और संक्रमण की जाँच कराने के लिए कई सेंटर खोले जाने की जानकारी साझा की है आपको बता दें की सीएमओ ने शहर के लोगों से अपील की है की संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जाँच कराए और संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर दवाइयों की किट हासिल करें उन्होंने ये भी बताया कि घर में रहकर इलाज करा रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की किट उनके घरों तक पहुँचानी शुरू कर दी है साथ ही बताया है की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पाँच केंद्र बनाए गए हैं आपको बता दें की फिलहाल कोरोना वायरस ने गाँव का रास्ता पकड़ लिया है और शहर तो शहर अब गांव में भी कोरोना वायरस जमकर चल रहा है और बड़ी खबर देश में बढ़ती महामारी पर कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा सा, मोदी सरकार ने बनवाया कोरोना वायरस आपको बता दें कि देश में चल रहे कोरोना महामारी के कहर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा कांग्रेस ने एक मैगजीन के हवाले से कहा कि ये मोदी सरकार द्वारा निर्मित आपदा है कांग्रेस प्रवक्ता अजय माखन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई प्रेस वार्ता में कहा की द लेसेंट मैगजीन के हालिया अंक में भारत में फैल रहे कोरोना वायरस आरोप लिखा है केस में बताया गया है की ये मोदी सरकार द्वारा निर्मित आपदा है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बनवाया है आपको बता दें की कांग्रेस ने पर कहा कि ये आप और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दे जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत